अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम आ चुका है आप लोगों के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है। आप लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने ये जो लिंक है इसको ओपन किया है, आप लोग भी इसको अपने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस वहाँ पर मैं इसको डालूँगा। तो यहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँचेंगे। यहाँ से आप लोगों ने सेशन 2022-23 यूनिवर्सिटी, आप जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी से भी हो आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फाटा है, सपोज जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपका मेन कैंपस वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यानी कौन से डिपार्टमेंट आपके, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और इस तरह कंप्यूटिंग। सो सपोज़ मैं कंप्यूटिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपका डिग्री लेवल, मतलब मेरा जो है वो 16 एजुकेशन है और ईयर ऑफ स्टडी। तो यहाँ जो है आप लोगों ने अपने मतलब 2 साल डिग्री है या 4 साल डिग्री है, तो मैं सपोज 2 साल पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर रिज़ल्ट पे भी आप लोग यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रिज़ल्ट है वो भी शो हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ जो है शो 10 एंट्रीज, मतलब 10 लोगों ने जो है तकरीबन वो एंट्री किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एंट्री है, इसका एनरोलमेंट प्रोग्राम और ये बकाया डिटेल जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। मतलब ऑलरेडी ये स्टूडेंट जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है, फर्दर प्रोसेस करना है, तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक बटन शो हो रहा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना। ये तरीका आप लोगों को मोबाइल से बता रहा हूँ ना। तो आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना CNIC एंटर करना है। सपोज इसको यहाँ पे मैं अपना CNIC एंटर करूँगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नोट CNIC नंबर एंटर अदर देन योर ओन फॉर एग्जांपल ऑफ एनी मेंबर ग्रेजुएट एज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आपके गार्डियन का, आपका वालिद साहब का, आपके भाई का CNIC जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि आप लोगों ने अपना खुद वाला जो आपका ID कार्ड है वहाँ यहाँ पर वो वाला CNIC एंटर करना है। यहाँ पे जब भी आप लोग अपना CNIC एंटर करें तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब इनको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पे कहते हैं फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इन्फॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी, जिसके पास ये स्टार या एस्टेरिक निशान हो वो फिल जो है ना इसको फिल करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं हो जाएगा। फिर 2 नंबर पे है एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC ईमेल मोबाइल नंबर एज इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज। आप लोगों ने अपने खुद वाली और करेक्ट नंबर, ईमेल नंबर और इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि ये बाद में तब्दील नहीं हो सकती, इसलिए बहुत ही एहतियात से इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर में कहते हैं एप्लीकेंट्स मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस। मतलब आपके पास जिस मोबाइल में जो नंबर है और जो जीमेल आप पर्सनली यूज़ करते हो यहाँ पे वो एंटर करना है। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द फोकल ऑफ दियर रेस्पेक्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर कोई मसला हो तो आप फोकल पर्सन, हर एक यूनिवर्सिटी में एक फोकल पर्सन होता है, वहाँ से भी आप लोग उनके साथ मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स यानी मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो शो हो जाएगा जो स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस करते हैं ना। तो यहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका पे यह एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर किया गया है। तो यहाँ से मैं मतलब बैठ जाता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जब भी मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक न्यू पेज जो है वो शो हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, ये सारा डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे शो करना है। सपोज़ यहाँ पे मेरा नाम जो है, मैं यहाँ पे नाम अपना देता हूँ अफरीदी बाबा। फिर इसके बाद आपके वालिद साहब का नाम जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बाबा देता हूँ। सपोजली मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अप्लाई का तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। सपोज़ मैं ये रेंडमली मैं करता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अप्लाई इस तरीके से करना है। सपोज़ यहाँ पे मैं 1900 या सपोज 1998 देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरीके से देना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे मैं ABC
सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए। डोमिसाइल आप लोगों ने यहाँ पे देना है, सपोज मैं फाटा से ताल्लुक करता हूँ तो ये फाटा मैंने दे दिया। इसके बाद डोमिसाइल सिटी, यहाँ पे मैं सपोज खैबर एजेंसी कहूँ तो यहाँ पे मैं खैबर एजेंसी सर्च करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप एम्प्लॉय मतलब का कोई जॉब वगैरह है तो मेरा जो है नॉट एम्प्लॉयड है, मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं है मेरा। आर यू एनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, नो या यस, तो मैं नो हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ डिसेबल, मैं नहीं हूँ ना। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, आपने इससे पहले लैपटॉप रिसीव किया है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोगों ने नो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने रिसीव किया है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव गवर्नमेंट एजीसी एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम है, नावे सहार स्कीम है, इसके बाद पीएम लैपटॉप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो बेहतर होगा कि नो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एनरोलमेंट नंबर, ये जो है आपको यूनिवर्सिटी वाले देते हैं यानी मुहैया करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना कैंपस जो है वो मतलब सेलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैं बुनियार करता हूँ, आप लोगों को अपने आप हिसाब से करना है यूनिवर्सिटी और बुनियार कैंपस जो है आप लोगों के लिए रेंडमली। जब आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे ना, वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट, आपका कैंपस, सब कैंपस ये मुकम्मल शो करेगा वक्त के साथ साथ, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड के मुताबिक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सपोज मैं एक कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करता हूँ, डिग्री लेवल मैं बैचलर या सिक्सटीन ईयर करता हूँ, प्रोग्राम बी एस ऑनर करता हूँ, सपोज ड्यूरेशन, सपोज इसका 4 ईयर ड्यूरेशन है, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन एंड द करेंट डिग्री, आप लोगों ने कहाँ पे मतलब कौन से ईयर में डिग्री के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ से आप लोगों ने वो डेट जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है डेट ऑफ कंप्लीशन, सपोज यहाँ पे शो होगा। फिर इसके बाद सिस्टम एनुअल, यानी मतलब एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है, तो मेरा एनुअल था। फिर इसके बाद डिग्री लेवल, आपका डिग्री कौन सा है, सेलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट आफ्टर जून, मतलब यहाँ कह रहे कि जो भी पास किया है आप लोगों ने 30 जून से, तो यहाँ से वो ईयर ऑफ स्टडी यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब 2 ईयर है या 4 ईयर है, सपोज मैं 4 ईयर पे क्लिकता हूँ। परसेंटेज सिक्योर्ड इन एच, मतलब आप लोगों ने मैट्रिक और इस तरह एफ ई सी में जो भी परसेंटेज आप लोगों ने लिया है ना, तो यहाँ पे वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो परसेंटेज इस तरीके से मेंशन करना है। फिर इसके बाद ग्रेडिंग, आप लोगों का ग्रेड जो है वो क्या था, सीजीपीए था या परसेंटेज सिस्टम था, तो मेरा परसेंटेज था क्योंकि एनुअल सिस्टम में परसेंटेज वाला सिस्टम होता है, ठीक है। आपका लास्ट एग्जाम का परसेंटेज क्या है, तो मेरा ये आप लोगों के लिए कभी कभी जो है ना वो काम नहीं करता क्योंकि मैंने डेटा कुछ जो है ना वो रेंडमली दे देता हूँ ताकि आप लोगों को सर पता चल जाए। तो आप लोगों ने सीधा तरीके से करना है, यहाँ पर सपोज मैं करता हूँ 88% इन द लास्ट एग्जाम 80, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से वो आपने हिसाब से करना है और बहुत ही करेक्ट तरीके से। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट जो है यहाँ से कॉन्टेक्ट वेरिफिकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोगों ने यहाँ से अपना जो है वो फोन नंबर देना है। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर शो करता हूँ, फिर इसके बाद सेल्फ वेरिफिकेशन कोड, आपके नंबर पे जो नंबर आप दोगे उस नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ठीक है। तो इस वेरिफिकेशन कोड को के ज़रिए आप लोगों को अप्लाई जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस देना है और ईमेल वेरिफिकेशन कोड, जो कोड आपको रिसीव होगा वो यहाँ पे फिर देना है। ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी आप लोगों के सामने मतलब हो जाएगा। फिर इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे फिर इसके बाद देना है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर और जो ईमेल वगैरह है वो नहीं दिया है, तो मेरा अप्लाई इस तरीके से मतलब वो जो ज़रूरी है ना, इस तरीके मैंने बताया था कि इसको फिल करना ज़रूरी है, तो मेरा अप्लाई नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा अप्लाई। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को और इस वीडियो को लोगों के साथ यानी तलबा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।